सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग मध्य में अवस्थित धमतरी जिला धरम और तराई इन दो नामों को मिलाकर बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है धार्मिक कुंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, तो बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको धमतरी जिले की वो सारी बातें जिससे शायद आप पहले से अनजान होंगे जानने को मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको और भी इसी तरह की वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। छः जुलाई 1998 को रायपुर जिले से अलग होकर एक नए जिले के रूप में बने धमतरी जिले का कुल क्षेत्रफल 4084 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 1859 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, धमतरी जिला पूर्व में गरियाबंद जिले से, पश्चिम में बलोद कांकेर और दुर्ग जिले से, उत्तर में रायपुर जिले से तथा दक्षिण में बस्तर और उड़ीसा राज्य के कुछ भाग से घिरा हुआ है। फिलहाल धमतरी जिले के अंतर्गत 3 सब डिवीज़न धमतरी, कुरूड और नगरी, 4 तहसील और 4 ब्लॉक धमतरी, कुरूड, मगरलोद और नगरी, 355 ग्राम पंचायत और 653 गांव आते हैं। दोस्तों, धमतरी तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां सड़क मार्ग में धमतरी शहर से आसपास के शहरों से रेगुलर बस सेवाएं मौजूद है। नेशनल हाईवे 30 और कई सारे स्टेट हाईवे से कनेक्टेड होने के कारण धमतरी शहर रायपुर और भिलाई जैसे शहरों से आसानी से जुड़ा हुआ है। वहीं रेल मार्ग में धमतरी रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग में छत्तीसगढ़ का रायपुर एयरपोर्ट यहां से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार धमतरी जिले का टोटल पॉपुलेशन 7,99,781 है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन 3,97,897 और फीमेल पॉपुलेशन 4,01,884 है। वहीं बात अगर जनसंख्या घनत्व की करें तो धमतरी जिले का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर का है। धमतरी जिले का सेक्स रेशियो 1010 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है, और ये आंकड़ा इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ के लोग लड़कों और लड़कियों में कुछ भी फर्क नहीं करते हैं। धमतरी जिले की इस लाजवाब खूबी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, धर्म के आधार पर देखा जाए तो धमतरी जिले में हिंदू 97.18%, मुस्लिम 1.30% और अन्य धर्म के 1.52% लोग रहते हैं। साक्षरता के हिसाब से धमतरी जिला एक विकासशील जिला है और यहाँ के ज़्यादातर लोग अब साक्षरता के महत्व को धीरे धीरे समझ रहे हैं। दोस्तों, धमतरी जिले का साक्षरता दर 78.36% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 87.78% और महिलाओं की साक्षरता दर 69.08% है। दोस्तों, धमतरी जिले में कई सारे शानदार स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं, जहां स्कूलों में सरस्वती शिशु मंदिर धमतरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, केन एकेडमी, वंदे मातरम इंग्लिश मीडियम स्कूल, सर्वोदय स्कूल, विजनन एकेडमी, संत मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल, संत जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेनोनाइट इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जबकि कॉलेजों में गायत्री कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, NRM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जेनेसिस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट ITI, रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट PG कॉलेज आदि मुख्य रूप से शुमार हैं।
दोस्तों बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की जाए तो धमतरी जिले में जिला चिकित्सालय धमतरी, धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, गुप्ता हॉस्पिटल, धमतरी हॉस्पिटल, संतोष हॉस्पिटल, उपाध्याय नर्सिंग होम और अनेकों पीएचसी और सीएचसीज शामिल हैं। धमतरी जिले में घूमने के लिए इतने रमणीय जगह हैं कि एक बार जाने के बाद आप वहां की खूबसूरती में खो जाएंगे। धमतरी के कुछ लाजवाब पर्यटन स्थलों में गंगरेल डैम, जबरा इको टूरिज्म, मुरुमसिली डैम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलाई माता मंदिर आदि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध माने जाते हैं। बात अगर लैंग्वेज की करें तो धमतरी जिले में बोली जाने वाले प्रमुख लैंग्वेजेस में हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी और सिंधी मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों धमतरी जिले के अधिकांश लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में धमतरी जिले का पर कैपिटा इनकम 21,961 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। धमतरी जिले के कुछ प्रमुख फोक डांसेस में सुवा डांस, पंथी डांस और कर्मा डांस को प्रमुख माना जाता है। दोस्तों धमतरी जिले की मुख्य समस्या क्राइम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के विगत वर्ष 2018 के रिपोर्ट के अनुसार धमतरी जिले का क्राइम रेट 170.80 है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का धमतरी जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे मौजूद लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।